गंगा, गंगा इनकी बात मत सुन। ये अपने सगों की नहीं हो सकी, तेरी कैसे होंगी? हाँ, पैसा धर्म है, पैसा कर्म है, पैसा ही सब कुछ है गंगा, याद रख। गंगा हमारा सौगंध है तुमका, अपनी महारानी का साथ दे, अपनी महारानी का साथ दे, वचन दे हमका, वचन दे गंगा, वचन दे हमका, बोल वचन दे। बहुत सुंदर साड़ी है, किसकी है? हमारी आई की है, इसे हमने अपने विवाह में पहनी थी और अब गंगा अपने विवाह में पहनेगी। हैं? बहू मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं, हर औरत अपने सुहाग का जोड़ा जीवन भर संभाल कर रखती है और तुम हो के जब अपना सुहाग ही हम अपने हाथों किसी और को सौंप रहे हैं, तो इन वस्त्र का क्या अर्थ? हमारे कहने का आशय ये नहीं। एक औरत की पीड़ा एक औरत ही समझ सकती है बहू। तुम्हारे इस बलिदान के लिए पूरी झांसी सदैव तुम्हारे नतमस्तक रहेगी। तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं, लेकिन इसलिए नहीं बोलूं कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे। आज मैं तुमसे कहने जा रही हूं, तुम्हें सांत्वना देने के लिए नहीं कह रही हूं। गंगाधर के हृदय में जो तुम्हारा स्थान है, वो कोई सात जन्म भी ले ले तो भी तुमसे छीन नहीं पाएगा। याद है मैंने तुमसे कहा था कि एक राजा की कई सारी रानियां होती हैं, लेकिन उसकी महारानी बस एक होती है, और इस झांसी की महारानी सिर्फ एक है, रानी लक्ष्मीबाई। नहीं बच्चा, अपनी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर तो इस हीरा भाई की आंखों में भी आंसू आ जाते। वो कहां है? कौन? वही गंगा। तुम्हारे भी सोच की दाद देनी पड़ेगी बहू, पूरे झांसी में बस वही मिली दासी अल्लड़ लड़की गंगा।
झांसी के उत्तराधिकारी का प्रश्न नहीं होता ना तो आज हल्दी का समय निकला जा रहा है। अब हीरा भाई ढूंढेंगे उदासी को पूरे महल में। लाड प्यार ने बिगाड़ कर रखा हुआ है सबको। छोड़ दीजिए मेरी आजी को, छोड़ दीजिए आजी को। छोड़ देंगे ना, तुम्हें भी छोड़ देंगे और तुम्हारी नानी को भी, और तुम दोनों के भाग्य भी खुल जाएंगे। बस हमने जैसा कहा है वैसा तुम्हें करना होगा, अन्यथा। इसको यहाँ रखिए, शीघ्र यहाँ रखिए, आप इसे यहाँ रख दीजिए। महारानी साहब, तुम्हें गंगा मिली? नहीं महारानी साहब, पता नहीं वो किधर गई है। जाओ सुंदर, उसे शीघ्र ढूंढ कर लाओ। जो आ गया महारानी साहब, परंतु आप ये औषधि तो खा लीजिए। ठीक तो है ना महारानी साहब? हाँ हम ठीक है, तुम जाओ गंगा को ढूंढो। राज वैद्य ने आग्रह किया है और महाराज का निर्देश है कि आप औषधि समय पर लें। हमने कहा ना, हम औषधि ले लेंगे, तुम जाओ और गंगा को ढूंढो, अन्यथा विधि समय पर आरंभ नहीं होगी और ताई क्रोधित होंगे। जाइए। जी। इतनी बड़ी राज्य की तुम रानी बनने वाली हो, सारा बुंदेलखंड तुम्हारी जय जयकार करने वाला है। ऐसा मौका बड़े बड़ों के भाग्य में नहीं होता गंगा, तुम्हारे सामने स्वयं ये चल के आ रहा है। हमारा सौगंध है तुमका गंगा, हमारा सौगंध है तुमका। उनकी बातों में ना याद कर गंगा, बचपन से सिखावा है। बिटिया है तुम्हार नहीं, और जो तुम्हार नहीं उस पर हक जमाना पाप है। रुको से एक बात याद रखना गंगा, जीवन में कोई भी वस्तु आसानी से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। गंगा इनकी बात मत सुन, ये अपने सगों की नहीं हो सकी, तेरी कैसे होंगी? हाँ, टके धर्मस्य टके कर्मस्य, पैसा धर्म है पैसा कर्म है, पैसा ही सब कुछ है गंगा, याद रख। गंगा वचन दे अपनी महारानी का साथ, पैसा ही सब कुछ। टके धर्मस्य टके कर्मस्य, पैसे के बिना कुछ भी नहीं, उसे छीननी पड़ती। ये अपने सगों की नहीं हो सकी, तेरी कैसे होंगी? गंगा इसकी बातों में ना हमारा पूरा जो भी गुण तुमने देखे गंगा, इसकी बातों में से ओझल मत होने देना। पैसे के बिना कुछ भी नहीं, बड़े बड़ों के भाग्य में नहीं होता स्वयं ये चलता। रानी साहब, तुमने हमें महारानी साहब कह के बुलाया? नहीं, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता
आप महारानी साहब नहीं कहलाएंगी। हम तो बस यही कहने आए थे कि रानी साहब ने आपको याद किया है, हल्दी की विधि के लिए शीघ्र बैठक पे आपको बुलाया है। सुरेन, स्वर्ण मोहरा निकालो, गंगाधर की नजर उतारूंगी। जल्दी करो। जाओ गरीबों में बांटो। अभी तक हल्दी क्यों नहीं आई? अरे कोई है वहां, पता तो लगाओ, हल्दी क्यों नहीं आई अभी तक? अरे रानी आ गई, मारी प्रतीक्षा कर रहे थे हम। जल्दी जल्दी हल्दी लगा दो। जल्दी करो बहू, गंगाधर शीघ्र हल्दी लगवा लो, तुम्हारी झूठन जाएगी वधु के पास, वहां भी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं हल्दी की। बहू जल्दी करो, क्या सोच रही हो? ढंग से हल्दी लगाना गंगाधर को, गंगाधर पर ऐसा रंग चढ़ना चाहिए कि पूरी झांसी बसंती हो जाए। क्यों? हल्दी झूठी ही करनी है ना गंगाधर, हल्दी की विधि इस तरह से संपन्न नहीं होती। बहु ठीक है, एक छोटा सा तिलक लगा दी, आपकी विधि भी पूर्ण हो जाए। जितना कहा है उतना ही कीजिए। बस यदि आपकी विधि पूर्ण हो गई हो तो आप वधू के पास जाइए।
निधि तो पूर्ण हो गई गंगाधर, हल्दी भी झूठी हो गई। चलो बहू चलो। रखो बहू, संभालो। नहीं बहू, सीने पे पत्थर रख के इतना बड़ा निर्णय लिया है तुमने बहू, आभास भी नहीं होने देना। चलो वारे जाओ, कितनी सुंदर लग रही है हमारी होने वाली रानी। बस एक बात का ध्यान रहे, हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जिस उद्देश्य से तुम्हारा गंगाधर राव के साथ विवाह करवा रही है, वो उद्देश्य कभी पूर्ण ना हो पाए। रानी बनकर झांसी पर राज कर, परंतु झांसी को न कभी वारिस था, न आज है और न कल होगा। समझ गई ना? आंखें नीचे। अरे ऐसे मुस्कुरा, अन्यथा लोग ऐसा समझेंगे कि जो हम नहीं चाहते कि वो समझे। समझ गई ना? अब ठीक है, यदि ये रानी बन गई तो इसे मारने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, और झांसी नरेश के प्याता पत्नी को हम अंग्रेजों से कहलवा कर सारे अधिकार देने का प्रयास करेंगे। किस बात का प्रयास कर रही हो जानकी? अब कुछ नहीं तही, हम बस हमारी होने वाली रानी को रानी की गरिमा, उसका दायित्व, उसके अधिकार समझाने के प्रयास कर रहे थे। तुम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती ही रहती हो जान, क्षमा करना, मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं। हमने क्या किया ताई? तुम्हारे रग रग से मैं तो क्या पूरी झांसी परिचित है। इतना याद रखना, तुम्हारे सामने
रानी लक्ष्मीबाई है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वयं को संभाल ना जाने, वरना ऐसे गिरोगी जीवन भर उठ नहीं पाओगी। अब तो बैठो। भाई बैठने की जगह दो। बैठो बैठो। गंगा दाई माँ किधर है? हमें हल्दी की विधि आरंभ करनी है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। और यदि तुमने ये सब कुछ किसी को बताने की चेष्टा की तो तुम्हारी आगे किसी भी समय। बताओ गंगा दाई माँ कहाँ है? गंगा दाई माँ कहाँ है? गंगा हमने पूछा दाई माँ कहाँ है? क्या हुआ? सब ठीक तो है? गंगा हमारा सौगंध है तुमका, अपनी महारानी का साथ दे, अपनी महारानी का साथ दे। और यदि तुमने ये सब कुछ किसी को बताने की चेष्टा की तो तुम्हारी आजी किसी भी समय। वचन दे हमका, वचन दे, अपनी महारानी का साथ दे, अपनी महारानी का साथ दे। और यदि तुमने ये सब कुछ किसी को बताने की चेष्टा की तो तुम्हारी आजी किसी भी समय।